जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जिसके अंदर एसपीडी सीपीयू लगा होता है। कौन सा सीपीयू लगा होता है? एसपीडी सीपीयू। अगर उसके अंदर एसपीडी सीपीयू लगा होता है तो एसपीडी सीपीयू को लॉकअप कैसे निकालते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत ऐसे यूजर हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर एसपीडी सीपीयू लगा होता है तो वो लोग क्वालीकॉम सीपीयू को तो लॉक तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, और मीडिया टेक होता है उसका भी लोग निकाल देते हैं, रियलमी का निकाल देते हैं, सारी चीज़ों निकाल लेते हैं। लेकिन बात आती है जैसे इंटेक्स कार्बन माइक्रोमैक्स ऐसे छोटे मोटे फ़ोन आते हैं, फिर वो बेचारे फंस जाते हैं। वो कहते हैं यार हमने तो 15,000-20,000 फ़ोन को लॉक तोड़ दिया, लेकिन आज हमारे पास 3500 का आ गया तो उसमें फंस गए। क्यों फंस गए? इसलिए फंस गए क्योंकि हमको उसका तरीका नहीं पता है। अगर जब तक आप उसका प्रॉपर तरीका नहीं पता होगा तब तक आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं, नए यूजर हैं या जो नए टेक्नीशियन हैं, जो लोग अपना सीखना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम अपना सीखना चाहते हैं, चाहे उसमें हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो, पूरा कंप्लीट काम सीखने के लिए आप बीटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन लैपटॉप संबंधित इस तरीके से पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाया जाता है, जो आपको प्रैक्टिकल तरीके से ही सिखाया जाता है। ये 100% की श्योरिटी है कि जो भी सारे स्टूडेंट आएंगे वो सीख करके ही जाएंगे। देखिए ये हमारे पास एक यूएमटी डोंगल है, इस डोंगल के द्वारा लॉक को कैसे तोड़ेंगे ये स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली बात क्या है, ये जैसे मेरे पास फ़ोन आ गया, इंटेक्स एक्वा का मोबाइल फ़ोन आ गया है, इसके अंदर पैटर्न लगा हुआ है, यूजर का पैटर्न लगा हुआ है कि पैटर्न क्या है, वो खुल नहीं रहा है, पैटर्न ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले पैटर्न खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को स्विच ऑफ करिए। पूरा एक एक करके सारा प्रोसेस के बारे में आप सभी लोग सीखने वाले हैं। फ़ोन को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखिए सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग बहुत आसान है। क्यों सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग इसलिए आसान है क्योंकि सारा कमाल तो टूल्स का है, आदमी का क्या तरीका पता होना चाहिए। इसमें तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको तरीके सीखने की जरूरत है। अगर आपको तरीके सीख गए, बस आपको ऑप्शन दिया उसमें आपको क्लिक करना है, वो क्लिक करते ही लॉक खुल गया। हार्डवेयर में तो चलो ठीक है, आईसी लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसमें बहुत मेहनत की जरूरत है, लेकिन ये काम तो बहुत आसान है। लेकिन जो न्यू टेक्नीशियन होते हैं उनको परेशानी इस बात की आती है कि वो कहते हैं अरे यार सॉफ्टवेयर तो बड़ा कठिन है, मैं कर नहीं पाऊंगा। सॉफ्टवेयर मुझे लगता है सिर्फ वही आदमी नहीं कर सकता जो पढ़ नहीं ले सकता, बिल्कुल अनपढ़ गंवार है या किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन थोड़ा बहुत जानता है, हल्का सा अगर नॉर्मली जानता है ना, तो भी बहुत आसानी से कर सकता है। देखिए जैसे मेरे पास फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन को बंद कर दिया। फ़ोन को बंद करने के लिए हमें क्या करना है, इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए मतलब इसको वाइप डाटा करना है, पैटर्न लॉक तोड़ना है। देखिए पैटर्न लॉक तोड़ने के लिए आपको माइनस वाली बटन को प्रेस किया, माइनस वाली बटन को प्रेस करने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन चालू होगा। चालू होने के बाद फ़ोन हमारा कहाँ चला जाएगा, रिकवरी मोड में चला जाएगा। देखिए आपका फ़ोन रिकवरी मोड में चला गया, यहाँ पर ऑप्शन आता है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का, ये सब दिखाइए। इस ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, ये बोलेगा यस या नो, आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, हाँ भैया करना चाहते हैं फॉर्मेट, ये लो हमने फॉर्मेट कर दिया, हमारा पूरा डाटा साफ़ हो गया। ये पूरा डाटा साफ़ हो गया, फिर से ऑप्शन वही खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा रिबूट करने के लिए कि रिबूट करना है कि नहीं करना, हम रिबूट पे क्लिक कर देंगे, हमारा रिबूट हो जाएगा, लॉक टूट जाएगा। ये देखिए आपको जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना होता है। अब आपने क्या कर दिया, रिबूट कर दिया, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका फ़ोन क्या हो गया, रिबूट हो गया। जैसे फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा चालू होगा। अगर हो सकता है इस फ़ोन के अंदर कस्टमर ने अपना जीमेल आईडी पासवर्ड लगा रखा हो तो वो पासवर्ड मांगेगा, एफआरपी मांगने लगेगा। एफआरपी क्या होता है, एफआरपी का पूरा नाम होता है फाइल रीसेट प्रोटेक्शन, जो जीमेल अकाउंट का लॉक होता है। जितने भी सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन आए थे जो 5.1 वर्जन से ऊपर आए थे तो गूगल कंपनी ने अपना लॉक दे दिया था कि भाई अब हमारे फ़ोन में एफआरपी को भी लॉक लग जाएगा। एफआरपी लॉक कुछ नहीं होता, वो जीमेल आईडी का पासवर्ड होता है। अगर आप कस्टमर को जिस बंदे ने अपने प्ले स्टोर पर जीमेल आईडी पासवर्ड सेट कर रखा हो
अगर जीमेल आईडी पासवर्ड वही डालेगा तो आगे पास आउट हो जाएगा, अगर नहीं डालेगा तो वो बोलेगा वही डालो। लेकिन जो लोग होते हैं मार्केट में तो क्या काम करते हैं, अपना फ़ोन तो ले लेते हैं लेकिन जब आईडी बनाते हैं ना तो प्ले स्टोर पर नेक्स्ट 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 तक तो कुछ भी बन जाए, जिस नाम से बनना चाहे बन जाए, बस उनका फ़ोन का प्ले स्टोर चालू हो जाए। लेकिन बाद में जब रीसेट हो जाता है या फ़ोन ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है या कस्टमर रीसेट कर देता है तो फिर बाद में कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। क्या परेशानी आ जाती है कि वो लॉक बंद करके खड़ी हो जाती है। अब लॉक खोलने के लिए अब देखिए फ़ोन आपका इंटेक्स क्लिक करके है, अब ये चालू होगा, थोड़ा सा वेट लगेगा, वेट लग रहा तब तक मैं आपको आगे का थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये डोंगल आती है, इस डोंगल के द्वारा आप जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, क्वालीकॉम सीपीयू हो गए, एमटीके सीपीयू हो गए, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन हो गए, ओप्पो वीवो एमआई रियलमी जो भी सारे फ़ोन आ रहे हैं, सारे फ़ोन के इससे लॉक खुल जा रहे हैं। लॉक इसके अंदर सिर्फ अभी डोंगल के अंदर सिर्फ एमटीके सीपीयू का सपोर्ट आया हुआ है कि सारे एमटीके सीपीयू का लॉक आपका ऐसे चुटकी में लॉक खुल जाएगा। लेकिन अगर आप क्वालीकॉम भी खोलना चाहते हैं तो आप फिर इसके लिए क्या करिए, एक इसमें आईएसपी पिन आउट ले लीजिए। आईएसपी पिन आउट क्या होता है, छोटा सा अडैप्टर आता है, उस अडैप्टर को इसे डोंगल के द्वारा इसमें एमएमसी का एक्टिवेशन का हम लोगों को रिचार्ज भी कराना पड़ता है, उस रिचार्ज करते ही हमारा एमएमसी का हार्डवेयर टूल ओपन हो जाता है। उस टूल से हम आईएसपी पिन के द्वारा हम पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं, पासवर्ड को खोल सकते हैं, जितने भी सारे बेसिकली काम है सारे काम को हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, लॉक खोलने के लिए हमने क्या किया, डोंगल लिए, इस डोंगल को लगाया, हमने डोंगल लगा दिया, डोंगल ऐसे रेड लाइट ब्लिंक करेगी मतलब आपका डोंगल कनेक्ट हो रही है। अब आपको ओपन करना है जीएसएम अल्टीमेट, ओपन करना है, क्या ओपन करना है, जीएसएम, क्योंकि एमटीके का मतलब क्या होता है, एमटीके में जाएं, क्वालीकॉम का मतलब होता है क्वालीकॉम क्यूसी फायर में जाएं। अब ये बात नहीं आपका एसपीडी सीपीयू बचा, सैमसंग बचा, ये सब, इसके लिए आप अल्टीमेट में चले जाइए। आप अल्टीमेट में चले गए, इसमें आप चाहे माइक्रोमैक्स हो, इंटेक्स हो, लावा हो, कार्बन हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, सारी कंपनी के मोबाइल फ़ोन को लॉक आप आसानी से कर सकते हैं सिर्फ वन क्लिक के अंदर। अब हम वेट करेंगे, हमारा अल्टीमेट टूल ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये कह रहा आई हैव रीड अंडरस्टैंड, आप इसे ओपन करना चाहते हैं, हाँ भैया हम ओपन करना चाहते हैं, ये लो हमने तो ओपन कर दिया, अभी ओपन होगा अपना पीछे। तब तक चलिए हम आप इसको समझ लेते हैं। देखिए आप गेट स्टार्ट में जाएंगे, गेट स्टार्ट के बाद स्किप करिए, सिम है तो सिम से नेट चलेगा, नहीं तो ऐसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, फिर वाईफाई से चलेगा। वाईफाई के लिए क्या करना है, मैंने अपने वाईफाई को कनेक्ट कर रखा है, ये हमने देखिए हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया, आगे चला गया। आगे जाने के बाद अभी नेटवर्क अपना सर्च कर रहा है, ये चेकिंग कर रहा है कि ईमेल आईडी लगा है कि नहीं लगा। एक मिनट मांगने लगा, हमने अगर इसमें कोई भी आईडी डालेंगे, आपके पास जो अगर आपको आईडी पता होती तो आप अपने आईडी को डालिए, आईडी डालने के बाद आगे बढ़ जाइए। कह रहा नहीं आईडी नहीं पता है, आईडी नहीं पता है क्या करेंगे आप? अब यहीं पर एफआरपी लॉक तोड़ना है, इसी को हम लोग बोलते हैं एफआरपी लॉक। सबसे पहले क्या करिए, फ़ोन को बंद करिए। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे आप, एक ऑप्शन आता है मिसलिनियस का, किसका ऑप्शन आता है, मिसलिनियस का। अगर आप बहुत से आगे पास में दिखाइए सर को, जैसे ऑप्शन आता है ये मिसलिनियस का, ये वाला मिसलिनियस का मतलब क्या है, मिक्सचर सब कुछ मिला हुआ है इसके अंदर,
बूट लोडर अनलॉक करने का दिया है, MTK FRP रीसेट करने का तरीका दिया है। बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं ना आपके पास जो MTK CPU लगा होता है लेकिन कंपनी का पता नहीं, BQ TQ PQ ऐसे बहुत सारी 75 कंपनी आती हैं जिनका कोई नाम ही नहीं भरोसा। तो वो आप यहाँ पर जा करके अगर MTK CPU लगा है तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा फ़ोन आता है जिसके अंदर क्वालिकॉम CPU लगा हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी कंपनी अल्काटेल ऐसी कंपनियाँ जिनका नाम ही नहीं है, या इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, या एयरटेल ऐसे कुछ दुनिया भर का दे रखी हैं, तो आपको क्या करना है, QC4 को सिलेक्ट कर लेना है। QC4 में जा करके देखिए, MTK FR भी निकल गया, QC4 FR भी निकल गया, मोटो का निकालना है मोटो निकाल लीजिए। अब मुझे निकालना तो भैया SPD का है, तो हम क्या करेंगे इसमें SPD CPU में जाएंगे, SPD में टिक कर लिया। अब देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, ये भी ओपन करेंगे माई कंप्यूटर में जाकर मैनेजर में देखेंगे कि ये हमारा मोबाइल फ़ोन पोर्ट बना रहा है कि नहीं पोर्ट बना रहा। जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन होते हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी तो इस बात की आती है कि वो फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट ही नहीं करा पाते। अरे भाई जब तक तुम फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट ही नहीं करा पाओगे तो आप कैसे रिपेयरिंग कर पाएंगे, मतलब फ़ोन को ठीक कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ आप मेरे से काम सीखना चाहते हैं लेकिन आज जब तक आप मेरे पास आएंगे नहीं तो कैसे सीख लेंगे, ऐसे बैठे बैठे हवा में सीख लेंगे। तो उसी तरीके से ये है, इस फ़ोन को लॉक करने खोलने के लिए हमें क्या करना है कि इस फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराना है। कंप्यूटर से कनेक्ट कराने के लिए आपने जैसे इसको सिस्टम पर लगाएंगे तो ये पोर्ट बनाता है, क्या बनाता है, पोर्ट बनाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पोर्ट बना रहा है, ये SPD का पोर्ट बना रहा है, SPRD लिखा है, मतलब इसके अंदर SPD CPU लगा हुआ है, ये बात तो कंफर्म हो गई। चलिए जब SPD CPU लगा हुआ है हमको क्या करना है, इस फ़ोन को फास्ट बूट मोड में ले जाना है। किसमें ले जाना है, फास्ट बूट मोड में ले जाना है। फास्ट बूट मोड में ले जाने के लिए आपको क्या करना है, माइनस वाली बटन को दबाना है, पावर वाली बटन को दबाना है। जैसे आप माइनस पावर वाली बटन को दबाएंगे, MI का फ़ोन होता है उसमें भी माइनस पावर वाली बटन को दबाते हैं आपका सेट फास्ट बूट में चला जाता है, इसमें भी फास्ट बूट में जाएगा। अब देखिए इसमें फास्ट बूट में नहीं जा पाता तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है रीबूट सिस्टम नाउ, दूसरा ऑप्शन आता है रीबूट टू बूट लोडर, मतलब आप बूटिंग मोड में पहुँच जाएंगे। ये लो हमने दबा दिया, आपका फ़ोन क्या हो गया, बूट मोड में पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लिख करके आ रहा फास्ट बूट मोड, ये लिख करके आ रहा फास्ट बूट मोड लिख करके आ गया, मतलब हमारा फ़ोन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे ऐसे कनेक्ट कर देना, ये लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, SPD FRP रीसेट को हमने सेलेक्ट कर लिया, FRP रीसेट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, तो ऑपरेशन को रन कर दो, ये देखिए हमने रन कर दिया, ये देखिए इसने फॉल्ट डिवाइस को पकड़ लिया, ये हुआ SPD रीसेट, बूट लोडर अनलॉक, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ओके। अभी देखना और भी इसकी डिटेल खुलेगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, FRP तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, सब चीज़ लिख के आ जाएगी। क्या कह रहे, बूट लोडर लॉक, बूट लोडर FRP रीसेट, रिमूव FRP लॉक डन, मतलब इसने क्या कर दिया, FRP लॉक का क्या कर दिया, डन कर दिया, रीसेट कर दिया। पास में आइए ज़रा दिखाइए, ये देखिए ये आपका लिखा हुआ है रिमूव FRP रीसेट लॉक डन, मतलब आपका FRP लॉक टूट गया है, FRP लॉक टूट गया ओके, कोई दिक्कत नहीं, डाटा केबल हटा दीजिए। हम क्या करेंगे, बैटरी को भी हटा देंगे, बैटरी हटाने के बाद फिर से बैटरी लगाइए, फिर हमने फ़ोन को चालू किया, चार्जिंग पे लगा लेते हैं, इसकी बैटरी डाउन है। ये हमारा फ़ोन चालू हो गया, चालू होने के बाद अब देखेंगे, अगर इसके अंदर FRP लॉक टूट गया होगा तो फिर जहाँ पर ऑप्शन आ रहा था कि Gmail ID डालने का ऑप्शन आ रहा था, नट का ऑप्शन आ रहा था, वहीं पर बगल में एक ऑप्शन आ जाता स्किप का, स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। अगर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके फ़ोन का FRP लॉक टूट गया, अगर नहीं हाईलाइट होगा तो नहीं टूटेगा। चलिए अभी देखते हैं जरा, ये तो स्किप
सिम कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। आगे जाएंगे ये देखें, अब आप देखेंगे यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ गया। ठीक है, पास में दिखाइए सर को, ये आपका स्किप का ऑप्शन आ गया। जैसे आप स्किप पर करेंगे, स्किप करिए, नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए आपके मोबाइल फोन का लॉक टूट गया, लॉक टूट गया, एफ आई पे भी टूट गया। तो जैसा कि आज आप सब लोगों ने देखा कि मेरे पास इंटेक्स का मोबाइल फोन आया, मैंने इसका लॉक तोड़ा। ये बात इंटेक्स की नहीं होती, ये बात होती है एसपीडी सीपीयू की। इसकी बात होती है एसपीडी। तुम्हारे पास इंटेक्स आया, माइक्रोमैक्स आया, कार्बन आया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं आया कि हमने इंटेक्स को सिलेक्ट किया कि माइक्रोमैक्स को सिलेक्ट किया कि कार्बन को सिलेक्ट किया। सिर्फ हमने किसे सिलेक्ट किया? सीपीयू को सिलेक्ट किया। किसे सिलेक्ट किया? सीपीयू को। सीपीयू में से हमने कौन सा सीपीयू सिलेक्ट कर दिया? एसपीडी सीपीयू सिलेक्ट किया। एसपीडी सीपीयू सिलेक्ट करने के बाद हमने उसके लॉक को तोड़ दिया। तो इस तरीके से जो भी सारे मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन को हम आसानी से इस डोंगल से लॉक को तोड़ सकते हैं। ये डोंगल 3500, 3600, 4000 रुपए की मार्केट में डोंगल आती है। आप उसे आराम से आसानी से परचेज कर सकते हैं। जो ऐसे स्टूडेंट हैं, अपने लिए मंगाना चाहते हैं, तो डोंगल आप इसी नंबर पर कॉल करके डोंगल को मंगा सकते हैं और अपने सारे पूरे सॉफ्टवेयर के काम को एक अच्छा सा अंजाम दे सकते हैं। हर एक आदमी को नॉर्मल से जो छोटा छोटा टेक्नीशियन होता है ना, तो उसके लिए लॉक खोलना उसके लिए बड़ी आम बात होती है, क्योंकि उसके पास कस्टमर आता है। कस्टमर कहता है मेरे फ़ोन में देखो ये पासवर्ड लग गया, पैटर्न लग गया, फिंगर लॉक लग गया, फेस लॉक लग गया, ये लॉक की प्रॉब्लम आती है। उस लॉक की प्रॉब्लम के लिए कुछ लोग क्या काम करते हैं, इंतजार करते हैं, फ़ोन रख के रहते हैं, मार्केट में जाएंगे, ठीक करा के लाएंगे, वहाँ पर 50 रुपये देंगे, फिर कस्टमर से 150-200 रुपये चार्ज लेंगे, जबकि लॉक खोलने में कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं? करने का पैसा ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, हक बनता है करने का पैसा लो, लेकिन आप पैसा किस बात का? आप मार्केट में जाएंगे, दूसरे आदमी से करवाएंगे, फिर दूसरा आदमी तीसरे आदमी से काम करवाएगा, फिर चौथे से करवाएगा, ऐसे ही चक्कर घूमता रहता है। तो 50 का काम 500 तक पहुँच जाता है, क्योंकि एक ही काम पे करने वाले, एक ही फोन पे काम करने वाले जब 4 लाख हो जाए, 4 लोग हो जाएंगे, तो 50-50 करके 4 लोगों को ऐड हो गए, तो 200 रुपये तो ऐसे ही बन गया। कस्टमर के तो 200 रुपये गए, तुमको क्या मिला? तुमको कौन से 200 रुपये मिल गए? तुमको भी तो 50 रुपये मिले। क्यों? क्योंकि आधे पैसे तो उसने ले लिए। तो इसीलिए है कि जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं सीखेंगे, तब तक कभी ज़िंदगी में पूरा काम नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन में समस्या चाहे हार्डवेयर से हो चाहे सॉफ्टवेयर से हो, कोई इस काम को करने के लिए अलग अलग बंदे नहीं आते, एक ही बंदा होता है, वही दोनों तरह की समस्याओं को ठीक करता है, काम करता है। लेकिन बस हमें करना क्या होता है, हमें ट्रेनिंग अच्छी लेनी होती है, हमें सीखना अच्छा होता है। जितना बहुत हम अच्छा सीखेंगे, उसी हिसाब से उतना बेहतर ही हम काम करेंगे। थैंक यू सर।